पल्मोनरी आर्टरीज और ये जो है ना ये है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये राइट एट्रियम राइट ओरिकल आ जाएगा, ठीक है। और ये लेफ्ट ओरिकल है, लेफ्ट एट्रियम पीछे होएगा और इसके अंदर ये मसल्स है मस्कुलर पेक्टिनिटी, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इसको हटाएँ तो ये हमारे पास जो है ना ये आते हैं ट्रबेक्युलर कार्नी, ये पैपिलरी मसल्स आ जाएंगे, पल्मोनरी वॉल्व एरोटिक वॉल्व, सही है। और फिर इसके बाद ये क्या, फिर इसके बाद अगर हम आर्टेरियल सप्लाइज की देखें तो ये हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी आ रही है, ये इसकी एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हैं, ये एक पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये मार्जिनल ब्रांच है, उसके बाद ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आ गए, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आएगी, एक तो ये इसकी आ जाएगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है। और ये जो है ना इसकी लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच आ जाएगी। और इसके बाद वीनस सप्लाई में अगर हम देखें तो ये कोरोनरी साइनस है, ये मिडिल कार्डियक वेन है, और इस तरफ ये वाली जो है ना ये ग्रेट कार्डियक वेन आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली स्मॉल कार्डियक वेन, यहाँ मार्जिनल ब्रेन इसमें ये